पुलकित सर साउंड म्यूट है क्या इसका? हेलो पटेल सर। हाँ सर। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके ओके जान सर प्लीज स्क्रीन सर प्लीज होस्ट बना दीजिए। सर नो नीड टू, मैं आपको मैंने अलाउ कर दिया है शेयर स्क्रीन के लिए। हेलो नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन सर। A very warm good morning to all of you. I Pulkit Solanki welcome to you all before behalf of Department of Mechanical Engineering, Sage University, Indore. I would like to say thank CMD sir, ED ma'am, Chancellor sir, VC sir, Registrar sir, HOI sir, and HOD ma'am also. I would like to brief in introduction about Mr. Keshav Prasad Patel sir. Mr. Keshav Prasad Patel sir, he is the co-founder of Sai Design and Software Solution. He has completed B.Tech and M.Tech from Bhopal. He wrote on an engineering graphics books and lots of research paper in reputed journals. Now, I want to stop my point here and hand over the session to Mr. Keshav Prasad Patel, sir. Now, sir. Thank you, Pulkit, sir. And I would love to thank all the respected dignitaries and management of Sage University and my dear students. Luckily or unluckily, ye aap decide karoge.
आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन करंट इंडस्ट्री सिनेरियो। और ये जो टॉपिक है ये इतना ब्रॉड है जिसको एक इकलौता स्पीकर जो है वो कवर अप नहीं कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ ओनली वन स्पीकर यू विल बी हियरिंग 3 स्पीकर्स टुडे। ओके, सो हमने क्या किया है आज के सेशन के लिए, ब्रांच वाइज डिवाइड करा है सॉफ्टवेयर को। और हम आज के सेशन में ये देखने वाले हैं कि ब्रांच वाइज क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, एंड इन ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स एंड व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स वी नीड। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान सर प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so before starting with my presentation and handing over the mic to my colleague, I would love to talk something about, I would love to brief you about my my company, which is Sai Design and Software Solutions. ये जो firm है ये basically student trainings and industrial consultancy पे work करती है। Basically, we love to train the students originating from mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, electronics engineering, automobile engineering, and computer science engineering. So basically, we cover all the branches in engineering today. And then we provide industrial consultancies to industries also. Okay? So, आज ये है हमारा छोटा सा एक फॉर्म जो हमने जुलाई 2018 में भोपाल में शुरू किया है। एंड बिफोर दिस सेंटर वी हैव आवर सेंटर्स इन गुजरात आल्सो। सो प्लीज ध्यान से, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम लोग जो है वो 3 से 4 स्पीकर्स को सुनने वाले हैं। सो हु विल बी माई पार्टनर्स इन क्राइम टूडे? मेरे सबसे पहले पार्टनर होंगे मिस्टर मुकेश योगी, हु इज एन ऑटोडेस्क द सॉल्ट एंड पीटीसी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। ऑटोडेस्क और द सॉल्ट एंड इवन पीटीसी यूनिवर्सिटी, ये तीन बड़ी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती हैं। एंड मिस्टर योगी, ये मिस्टर योगी वो कारण है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो पाए हैं। एक्चुअली हम लोग अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जगह पे थे, बट एन सर ने हम सभी को इकट्ठा किया है और हम सभी को मिला कि साई डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को खड़ा किया है। सो बेसिकली ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ही इज हैविंग 1 year ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एंड मोर देन 6 years ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल सर्विसेज। और उन्होंने जो है वो मोर देन 100 वर्कशॉप्स करी हैं अक्रॉस पैन इंडिया एंड ही हैज ट्रेन मोर देन 2500 स्टूडेंट्स इन सॉफ्टवेयर फील्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो नेक्स्ट है वो हूँ मैं, बेसिकली केशव प्रसाद पटेल। आई हैव कंप्लीटेड माय बी एंड एमटेक फ्रॉम भोपाल एज पुलकित सर हैज मेंशनड अर्लियर। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है 2 years का इंडस्ट्रीज में एंड मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्निकल एजुकेशनल सर्विसेज। And I have also completed 100 plus workshops and FDPs, and I have trained 2,500 plus students in engineering subjects and software fields also. Then our next speaker will be Mr. Dhyan Patel, and who is a civil engineer. He is an Autodesk and Bentley certified instructor. He is having more than 2 years of field experience. He is running some construction sites, in which वो project planning, interior और exterior designing के consultancy projects भी लेते हैं। He has conducted 50 plus workshops and again he has trained more than 1,000 students. Our last speaker who will be covering computer science engineering is Mr. Raju Sharma, and Mr. Raju Sharma is a director of business operations at Fossil Crust Technologies. ये एक project consultant हैं और Oracle DBA certified instructor हैं। इन्होंने अपनी जो एमटेक है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्लीट करी है और ही इज हैविंग मोर देन 8 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। अभी जो है ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स हैं अमेरिका की 4-5 स्टार्टअप कंपनीज के भी। सो ये है हमारा पैनल जो आज आपसे डिस्कस करेगा अबाउट द चैलेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इन करेंट इंडस्ट्री सिनेरियो। सो फॉर मूविंग फर्दर आई विल हैंड ओवर द सेशन टू मिस्टर मुकेश योगी, who is going to teach you about, who is going to explain you about the challenges in mechanical, electrical and automobile engineering. So Mr. Mukesh Yogi, I am handing over the session to you. Please carry on with it.
थैंक यू सो मच, कैसे हो सर? सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कंफर्मेशन चाहता हूँ कि मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है ना, प्लीज? ओके, थैंक यू सो मच, कैसे हो सर? तो ये हमारे आज के गोल है, हमारा जो आज का सेशन है ये पर्टिकुलरली ये है कि सॉफ्टवेयर्स क्या है, सॉफ्टवेयर्स की इम्पोर्टेंस आने वाले फ्यूचर में क्या है और अभी की करंट सिचुएशन में क्या है, तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको डीपली इंफॉर्मेशन दूं। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ गोल्स ऑफ करंट सेशन, हमारे आज के सेशन के गोल्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द करंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इन इंजीनियरिंग, लर्न अबाउट डिजिटल प्रोटोटाइप चैलेंजेस इन कवर करंट इंडस्ट्री सिनारियो, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन फॉर दीज चैलेंजेस, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल अबाउट डी एंड कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन फॉर द चैलेंजेस स्टेटेड अबव। ओके, तो ये सारे गोल्स हम आज क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ऑल मेंबर्स आर रेडी फॉर टुडे सेशन। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, इन तीन ब्रांच के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और इनका आने वाला फ्यूचर क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सॉफ्टवेयर्स की इंपोर्टेंस क्या है और आने वाले फ्यूचर में सॉफ्टवेयर्स के साथ साथ ऐसी कौन सी चीजें यूज होने वाली है, ये सारी चीजें आपको मैं प्रेजेंट करूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट प्रोटोटाइप, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स का इम्पोर्टेंट क्या है ये समझने के लिए हमें प्रोटोटाइप के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये स्लाइड से अबाउट डिजिटल प्रोटोटाइप, तो डिजिटल प्रोटोटाइप को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोटोटाइप क्या है। और मुझे पता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज मेंबर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिसको पता है प्रोटोटाइप क्या है, तो मैं अपने वे से आपको एकदम डीपली ले जाना चाहता हूँ। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक टेस्टिंग मॉडल, एक फिजिकल, एक वर्चुअल मॉडल जो कंपनी बनाती है फॉर टेस्टिंग एंड डेमो पर्पज के लिए। जैसे कि कंपनी प्रोडक्शन करती है, अब मैं आपको इंडस्ट्री में ले जा रहा हूँ, जैसे कि कंपनी जब प्रोडक्शन करती है, मास प्रोडक्शन करती है, तब कंपनी सबसे पहले टेस्टिंग एंड डेमो मॉडल बनाती है। उसका पर्पज क्या होता है, कंपनी इसीलिए टेस्टिंग मॉडल बनाती है ताकि मास प्रोडक्शन में फेल्यूअर्स ना आए। अब सपोज के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 1 लाख या 2 लाख जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग की है उसमें अगर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप समझ सकते हो उस कंपनी को कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसी को समझने के लिए हम समझेंगे अबाउट डिजिटल प्रोटोटाइप। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ प्रोटोटाइप, फर्स्ट वन इज अ फिजिकल प्रोटोटाइप एंड सेकंड वन इज अ डिजिटल प्रोटोटाइप। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया एक टेस्टिंग एंड डेमो मॉडल, उसका पहला जो टाइप है वो फिजिकल प्रोटोटाइप। तो फिजिकल प्रोटोटाइप किसे कहते हैं, उस मॉडल को, उस ऑब्जेक्ट को जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, फिजिकल प्रोटोटाइप। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आपके आगे जो लैपटॉप है, आपके आगे जो डिवाइस है, जो मोबाइल है, ये सारे फिजिकल प्रोटोटाइप। तो डिजिटल प्रोटोटाइप किसे कहते हैं, हाँ डिजिटल प्रोटोटाइप इसे कहते हैं कि जो सारी चीज बनती है पीसी में, लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में, उसे हम डिजिटल प्रोटोटाइप कहते हैं। अब मैं इंडस्ट्री के हिसाब से इन दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूँ। फिजिकल प्रोटोटाइप, अगर कोई कंपनी, मेरे हिसाब से, मैं पिछले बहुत टाइम से फील्ड में हूँ, मेरे हिसाब से ऐसी इंडिया में भी बहुत ही कम कंपनीज रही है जो डिजिटल प्रोटोटाइप नहीं यूज करती। मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करूं तो गल्फ कंट्री में दुबई है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, ये यूएसए, ये सारी कंपनीज 100% डिजिटलाइज हो चुकी है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसी 1% कंपनी होगी जो फिजिकल प्रोटोटाइप यूज कर रही है, वो भी डिजिटल में नहीं गई है। तो मैं इसकी भी प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ। फिजिकल प्रोटोटाइप में होता यह है, अगर वो कंपनी डिजिटल नहीं यूज करती तो वो किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस का यूज करके वो प्रोडक्शन करवाती है, जिसमें ना कोई वर्किंग सीट होती है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई पन किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर किसी का प्रोडक्शन करना है तो प्रॉब्लम तो हो सकती है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि फिजिकल प्रोडक्शन मुझे करना है तो उसमें बहुत सारा मैन पावर लगेगा। अब मैन पावर के बारे में मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या लगेगा, उसमें लेबर्स लगेंगे, उसमें सुपरवाइजर्स लगेंगे, उसमें हाई अथॉरिटीज लगेगी,
तो ये सारी चीजें उसमें लगती है फिजिकल, तो उसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा मटेरियल्स भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस तरह फिजिकल प्रोटोटाइप होता है। और फिजिकल प्रोटोटाइप में डॉक्यूमेंट्स हम यूज नहीं करते, तो इसमें प्रॉब्लम्स आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। अब ये समझ लीजिए कि अगर किसी एक प्रोटोटाइप में आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और वो प्रोटोटाइप मास प्रोडक्शन में चला गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं अब तक। मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं किसी कंपनी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ऐसी आपने बहुत सारी कार्स देखी होगी जिसके स्टीयरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जिसके ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो, जिसके फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम्स हो। अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी कार भी लॉन्च हुई है, तो उसमें होता ये है कि हम सर्विस स्टेशन में वापस देते हैं, उस प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर पाते, वो लोग नहीं सॉल्व कर पाते, तो वो कार रिप्लेस भी होती है। अब या आप ये समझ लो कि अगर एक 1000 कस्टमर भी उस कार को रिप्लेस करते हैं तो उस कार मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी कंपनी को कितना बड़ा घाटा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स आने वाले फ्यूचर में ना हो, इसीलिए छोटी से छोटी कंपनी एंड बड़ी से बड़ी कंपनी अब क्या कर रही है, यस, उसका वर्चुअल मॉडल बना रही है। इट्स कॉल्ड डिजिटल प्रोटोटाइप। तो डिजिटल प्रोटोटाइप का मतलब आपको पता चल गया होगा, एक वर्चुअल मॉडल बनाना सॉफ्टवेयर में, उसका ड्राफ्टिंग करना, उसका मैकेनिज्म करना, एनालिसिस करना और उसके बाद उसको लॉन्च करना। तो जो फेल्यूर फिजिकल प्रोटोटाइप में आता है वो हम आई थिंक कम कर सकते हैं, खत्म भी कर उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा डिजिटल प्रोटोटाइप। अब डिजिटल प्रोटोटाइप में कैसे प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, तो ये इसकी साइकिल है डिजिटल प्रोटोटाइप की। डिजिटल प्रोटोटाइप की प्रोसेस चार्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट वन इज अ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद आता है टेस्ट एंड वैलिडेशन, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, और उसके बाद आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। इस आपको प्रोसेस चार्ट को समझना पड़ेगा। तो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में क्या होता है, कंसेप्ट से डिजाइन होती है, ड्राफ्टिंग होता है, मैकेनिज्म्स होती है, असेंबलीज होती है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर्स में होती है। ओके, उसके बाद टेस्ट एंड वैलिडेशंस में क्या होता है, एनालिसिस होता है। ओके, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर्स में होती है, और एनालिसिस होने के बाद, सक्सेसफुल मॉडल बनने के बाद, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए डॉक्यूमेंट शीट रेडी करने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, उसके बाद वो मार्केटिंग पर्पज के लिए जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ वो दो स्लाइड ये है, ये दो टॉपिक ये है अबाउट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एंड टेस्ट एंड वैलिडेशन। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, मैं आपको अबाउट ध्यान सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा प्रोडक्ट डिजाइन शूट। ओके, तो एक इंडस्ट्री में, छोटी इंडस्ट्री या एमएनसी इंडस्ट्री में कैसे एक प्रोडक्ट डेवलप होती है, तो सबसे पहले इस साइकिल में आप समझ रहे हो, सबसे पहले ये टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, उसके बाद इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद सिमुलेशन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेशन, फैक्टरी डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। अब मैं इसको एक आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कोई विजिट की हो तो उसमें होता क्या है, सपोज के पहले हम ये डिसाइड करेंगे, कंपनी ये डिसाइड करती है कि जैसे कि मुझे ये कार बनानी है, उसका बजट डिसाइड होता है, उसके बाद उनके पास जितने भी स्केचर्स है, उनके पास जितने भी कंसेप्चुअल डिजाइन करने वाले बंदे हैं, उस कार का वो फ्रंट से कैसे दिखेगी, वो टॉप से कैसे दिखेगी, वो साइड व्यू से कैसे दिखेगी, वो लोग उसके स्केचिंग्स करेंगे। स्केचिंग करने के बाद उसका अप्रूवल आता है कि हाँ, ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनी हुई है, अब इसको हम प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हैं। तो जो आपने वो फ्री स्केचिंग किया है, वो फ्री स्केच को आप प्रॉपर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हो, इट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग। तो सेकंड जो हमारा स्टेप है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में होता यह है कि इंजीनियरिंग में फर्स्ट होता है ड्राफ्टिंग। तो आपने जो स्केच की है उसको हाउ टू क्रिएट इन आइसोमेट्रिक मॉडल एंड हाउ टू क्रिएट इन ऑर्थोग्राफिक मॉडल। आइसो और ऑर्थो के जो फंडा होते हैं हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज ये क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज होते हैं और उनके इंपोर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में। कंसेप्चुअल डिजाइन, कंसेप्चुअल डिजाइन के बाद, फ्री स्केच के बाद फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होता है वो ऑटोकैड। इसीलिए ऑटोकैड को एंट्री का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पहले ऑटोकैड ही यूज होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल में। तो ऑटोमोबाइल में क्या होता है,
ड्राफ्टिंग में ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर यूज करके हम आईएसओ मॉडल बनाते हैं और ऑर्थो ड्रॉइंग्स बनाते हैं। उसके बाद 3D के लिए इंडस्ट्री ऑटोकैड नहीं यूज करती, 3D के लिए इंडस्ट्री यूज करती है इंजीनियरिंग फंडा में सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर, देन BTC क्रियो, देन काचिया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। तो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग में यूज होता है फॉर पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर फॉर मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट्स, फॉर असेंबली कॉन्सेप्ट्स, फॉर ड्राइंग व्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, उसके बाद जो टॉपिक्स आता है वो हमारा सिमुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेटेज वाला टॉपिक है वो सिमुलेशन। सपोज कि आपने एक टेबल और एक चेयर डिजाइन कर ली है, लेकिन ये चेयर की मुझे वैलिडिटी चेक करनी है कि इस पे मैक्सिमम मैं कितना लोड इनपुट करूंगा तो ये चेयर कब डिफॉर्मेशन देगी। जैसे कि वो चेयर की डिजाइन मैंने 100 kg के लिए की है, तो ये 100 kg के लिए इसका मटेरियल और इसका जो भी डेटा है ये अप्रूवल ये ओके है कि नहीं, ये हम कहाँ पे वेरीफाई करेंगे सिमुलेशंस के। तो सिमुलेशंस में हम नास्ट्रॉन इन कैड जो नासा यूज करती है फॉर एनालिसिस पर्पज के लिए, मॉडलिंग पर्पज के लिए ऑटोडेक्स का एक सॉफ्टवेयर यूज नासा भी करती है, ऑटोडेक्स इन्वेंटर। ओके, इसरो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करती है फॉर एनालिसिस पर्पज। उसके बाद सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है सिमुलेशन का ANSYS। ANSYS के बारे में सुना होगा, ANSYS में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं और सबसे एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है फॉर सिमुलेशन। तो ये साइकिल कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट से डिजाइन होती है, उसके बाद ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग में ड्राफ्टिंग होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग में क्या होता है, यस पैरामेट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें मॉडलिंग्स बनते हैं, असेंबलीज होती है, ड्राइंग व्यूज जनरेट होते हैं, ये सारी चीजें कवर्स होती है। उसके बाद सिमुलेशन में उसके वैलिडेशन एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वैलिडेशन चेक करते हैं, और ये सारी चीजें सक्सेस होने के बाद हम डॉक्यूमेशन पे आते हैं। डॉक्यूमेशन में क्या होता है, उसकी वर्किंग शीट तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने किसी इंडस्ट्री की विजिट की हो तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर एंड क्वालिटी इंजीनियर उनके हाथ में एक शीट होती है, उसे हम वर्किंग शीट कहते हैं। उस वर्किंग शीट में जितने भी ड्राइंग्स बने होते हैं ये सारे ड्राइंग्स किसमें बने होते हैं, सॉफ्टवेयर्स में बने होते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक अनुरोध है कि आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। R.Rohit करके कोई फैकल्टी मेंबर हो या स्टूडेंट्स हो तो अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। स्टूडेंट्स आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। रोहित यस सर ओके कोई बात नहीं, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर देना क्योंकि ये क्या है कि अपनी आपकी खुद की प्राइवेसी वहां पे रहेगी, इसमें बहुत सारे फैकल्टीज मेंबर स्टूडेंट्स मेंबर अवेलेबल है, इसलिए अपना वीडियो प्लीज आप ऑफ रखना, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, तो कॉन्सेप्ट से डिजाइन इंजीनियरिंग एंड सिमुलेशंस के बाद जो डॉक्यूमेशन में हमने क्या की, हाउ टू क्रिएट अ वर्किंग शीट, वर्किंग शीट कैसे क्रिएट करते हैं हम डॉक्यूमेशन में देखेंगे। उसके बाद फैक्ट्री डिजाइन आता है और विजुअलाइजेशन आता है। तो इस तरह के इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिजाइन शूट कंप्लीट होता है। तो अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, तो अगर आपको स्केचिंग करना आता है, स्केचिंग भी बहुत बड़ा एक आर्ट है, अगर आपको स्केचिंग करना आता है तो आपको कॉन्सेप्चुअल डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है डिजाइन में। आपको अगर ऑटोकैड आता है तो आपको इंजीनियरिंग में ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। अगर आपको पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि सॉलिड वर्क्स वगैरह, BTC क्रियो वगैरह, काटिया वगैरह, तो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है डिजाइन डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर आपको एनालिसिस आता है तो आपको CEA डिपार्टमेंट में, सिमुलेशन डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। सबका फ्यूचर, सबका ड्रीम यही होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्केल आपको यही डिपार्टमेंट में मिलेगा। ओके, तो इस तरह एक साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारी अभी की इंडस्ट्री और आने वाली इंडस्ट्री डिजिटल प्रोटोटाइप से कैसे जुड़ी है और हमारे सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर क्यों सीखने चाहिए, ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ये कैसे इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट CAD, CAM एंड CAE। अब इसके बारे में मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता क्योंकि आप सब लोग समझते हैं इसे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, वो सारी ड्राफ्टिंग, वो सारी डिजाइन आप कंप्यूटर रिलेटेड करते हो, इसे हम CAD कहते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आप सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप जो करते हो उसे हम CAM कहते हैं। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग,
इसे हम एनालिसिस कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जो भी हम सिमुलेशंस की प्रोसेस करते हैं ये सारी हम कहां पे करते हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां पे इसका थोड़ा प्रॉपर डिटेल दी हुई है कैड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।